अब बात करेंगे टोंक की, जहां भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। निवाई में जनाक्रोश यात्रा के दौरान मंच से ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया। कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़े बड़ों को पानी पिलाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत को पानी पिलाया, अब आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता को नेतृत्व देकर जन विरोधी सरकार का अंत करें। अलका गुर्जर के बयान के बाद राजस्थान की सियासत में माहौल जो है वो गर्मा गया है। और जिन्होंने बड़ों बड़ों को पानी पिलाने का काम किया है, उन्होंने जोधपुर में तो मुख्यमंत्री जी को पिला ही दिया, अब मैं आह्वान करती हूँ कि वो राजस्थान की जनता को नेतृत्व दे और राजस्थान में ये जो जन विरोधी भ्रष्टाचारी सरकार है इसका अंत जरूर करें। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो आपने सुना कि किस तरीके से अब राजस्थान की जनता का नेतृत्व करने की बात अलका गुर्जर की तरफ से की गई है, और इस बयान के सामने आने के बाद जो है अब एक बार फिर से सियासी पारा जो है वो हाई नजर आ रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि बड़ों बड़ों को पानी पिलाया है, जोधपुर में मुख्यमंत्री को पानी पिलाया, इसलिए जो है राजस्थान की जनता का नेतृत्व उन्हें करना चाहिए। तो ये स्थिति तब है, ये बयान उस समय आया है जब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर जो है यहाँ पर 2023 में होने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी जनता के बीच जाएगी। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह के बयान, क्या कुछ इस बयान के मायने निकाले जाएं और माना जाए कि कोशिशें तमाम होंगी लेकिन ये जो सिर्फ उठावल है और जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं दिख जाएगी? देखिए, इस बयान में अलका गुर्जर ने टोंक में संबोधित करते हुए ये कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़े बड़ों को पानी पिलाया है, यानी वो संभवतः उनकी ताकत लोगों के बीच में बताना चाह रही होंगी। टोंक पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है और जिला टोंक है, निवाई विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सीट है अभी, और ऐसे में उस सीट को हासिल करने के लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत के कद को बताने के लिए और नेताओं को मोटिवेट करने के लिए, इसको इस प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाए, ये बात सही है कि जब शेखावत का नाम अलका गुर्जर ने लिया है, वो राष्ट्रीय मंत्री है, तो इसका मतलब ये संभावना जताई जा सकती है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी लेवल पर संभवतः इन नामों की चर्चा है, लेकिन दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी जब सभाएं होती हैं तो कार्यकर्ता आते हैं, लोग आते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कल आमेर विधानसभा क्षेत्र में भी एक कार्यक्रम था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मंच पर थे और उसी मंच से राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, यानी जो बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध थे, वो भी इस क्षेत्र से लड़े, इस क्षेत्र से जाकर के उन्होंने जनता की सेवा की, तो सतीश पूनिया भी जनता की सेवा के लिए डटे हुए हैं और उनकी अगुवाई में पार्टी बढ़ रही है। तो जो नेता होता है मौजूदा, उनको आगे बढ़ाया जाता है, और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, इस नाते भी उनकी जो प्रतिष्ठा है वो ज्यादा मानी जाती है बीजेपी के नेताओं में, और इसी लिहाज से संभवतः राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया के नाम को आगे बढ़ा रहे थे। तो नेताओं में ये भी जताने की कोशिश होती है कि आपसी होड़ उनमें नहीं है, एक दूसरे के नाम आगे रखे जाते हैं जब नेतृत्व की बात आती है, संभवतः इसी सोच के साथ में अलका गुर्जर ने कहा होगा ऐसा मानना चाहिए। हालांकि इससे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जरूर ये भाव जाता है कि क्या अलका गुर्जर गजेंद्र सिंह शेखावत का समर्थन कर रही है जबकि वो पहले विधायक रही हैं, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में रही है। हालांकि एक बार विधायक रहने के बाद अगली बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन लोग अलका गुर्जर को भी भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखते हैं और इसी कारण से संभवतः पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा दिया है अपने संगठन में, और राजस्थान से राष्ट्रीय मंत्री के रूप में पहुंच करके उन्होंने दिल्ली जैसे क्षेत्र में अपने प्रभार में काम भी कराया है और कार्यकर्ताओं को आगे भी बढ़ाया है। ये बात अलग है कि दिल्ली नगर निगम में इस बार बीजेपी अपना बोर्ड नहीं बना पाई, विधानसभा चुनाव हालांकि पहले हो गए थे लेकिन वहां भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रह पाई, लेकिन
इसको बृहद रूप में देखना चाहिए। पार्टी में जो अलग अलग नेता हैं वो अलग अलग समय पर ये भी कह चुके हैं, चाहे अरुण सिंह हो या तरुण चुग हो, कि संसदीय बोर्ड इस बात का फैसला करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किसी की अगुवाई में चुनाव लड़े जाएंगे या मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे या संगठन के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे। इसलिए इस तरह के बयान अभी आने वाले दिनों में और आएंगे। जी अभिनव, बिल्कुल, तो आने वाले समय में ऐसे और बयान आ सकते हैं। लेकिन शशि मोहन, एक तरफ कोशिश ये हो रही है कि बयानबाजियों पर रोक लगाई जाए। जितने भी हमने देखा कि दिल्ली से नेता आते हैं, उनकी पहली कोशिश यही होती है कि इस तरह के बयानबाजी ना हो। और ऐसे समय में अलका गुर्जर अगर ये बातें अगर कह रही हैं, तो माना जाए कि इसके बाद कुछ और इस तरह के दावे दूसरे नेताओं की तरफ से, दूसरे खेमों की वजह से भी सुनाई देने लगेंगे। और यह ऐसे ही एक छिटपुट बयान के बाद जो है घमासान आने वाले समय का नजर आने लगता है। देखिए, बयान तो और आएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। अशोक परनामी बयान दे चुके हैं बांसवाड़ा में, साथ में नारे लगते रहे हैं वसुंधरा राजे के समर्थन में, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के समर्थन में भी नारे लगते रहे हैं। जब आपको ध्यान होगा, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लंदन गए थे और वहां से लौटे थे, तब पहली बार उनके समर्थकों ने ये नारा दिया था कि उन्हें पूनिया जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो चाहे अर्जुन राम मेघवाल हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उनके समर्थक समय समय पर नारे लगाते रहते हैं और अपने नेता को आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहते हैं। और इसमें भी कोई राय नहीं है कि आने वाले दिनों में ये नारे और बढ़ेंगे। अब इससे पार्टी की गुटबाजी उजागर होगी या पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस भी कई बार ये कहती हुई दिखी है कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री के एक से ज्यादा दावेदार होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि सब नेता अपने अपने प्रयास करेंगे। बीजेपी में भी ऐसा दिखता तो है, लेकिन घोषित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा दावेदार होंगे तो अच्छा होगा। हालांकि सतीश पूनिया ये जरूर कई बार कहते हैं, जब उनसे सवाल होता है कि 8-8, 10-10 दावेदार होने के आरोप कांग्रेस लगाती है, तो वो कहते हैं कि कभी एक दावेदार नहीं होता था पार्टी में, आज ज्यादा दावेदार है तो पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है। इसलिए ऐसी बातें भी आती हैं, ऐसे बयान भी आते हैं। हालांकि अलका गुर्जर कि इस बयान के बाद में ज्यादा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि उन्होंने किस मंशा के साथ में ये बयान दिया, लेकिन इस बयान की चर्चा अब जरूर हर तरफ हो रही है। बिल्कुल, हर बयान के नफा नुकसान दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन ये जब सिक्का उछाला जाता है तो बाद में तय होता है कि किसकी चिट और किसका पट। चलिए, शुक्रिया शशि मोहन जानकारी के लिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।